हेलो एवरीवन, एक्टिव क्लास यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का जो डिस्कशन टॉपिक है, हाउ टू कन्वर्ट किलोमीटर पर आवर टू माइल्स पर आवर। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फ्रेंड्स, ये कॉमन क्वेश्चन है, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। फ्रेंड्स, अगर आप नहीं जानते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, यह आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं और जानते हैं कैसे कन्वर्ट किया जाता है किलोमीटर पर आवर टू माइल्स पर आवर। फ्रेंड्स, हमें ये जानना है कि 32 किलोमीटर पर आवर्स को जब हम कन्वर्ट करेंगे तो वो कितना माइल्स पर आवर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, क्या होता है, कभी कभी हमें किलोमीटर पर आवर्स की समझ होती है और माइल्स पर आवर्स की समझ नहीं होती, या कभी माइल्स पर आवर की समझ होती है, किलोमीटर पर आवर्स की समझ नहीं होती। तो क्या होता है, हम कन्फ्यूज़ रहते हैं। फ्रेंड्स, तो हमें पता होना चाहिए कि माइल्स को कैसे कन्वर्ट किया जाता है किलोमीटर पर आवर्स में। तो इससे क्या होगा, हमें समझने में आसानी होगी, हम आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं माइल्स को किलोमीटर पर आवर्स में। सो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं कैसे कन्वर्ट किया जाता है। एग्जांपल के तौर पे 32 किलोमीटर पर आवर को हमें कन्वर्ट करना है माइल्स पर आवर में। 32 किलोमीटर को जब हम कन्वर्ट करेंगे तो वो कितना माइल्स पर आवर के बराबर होगा। 1 किलोमीटर पर आवर से इक्वल होता है 0.621 माइल्स पर आवर। फ्रेंड्स, ये एक स्टैंडर्ड है, कैलकुलेटेड है, इस वैल्यू को याद रखना है। तो आइए जानते हैं कैसे कन्वर्ट करते हैं। 32 किलोमीटर पर आवर है तो 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 0.621 माइल्स पर आवर। इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 0621 माइल्स पर आवर से। फ्रेंड्स, जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 32 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 0.621 से, ये हो जाएगा 20 माइल्स पर आवर। फ्रेंड्स, 32 किलोमीटर पर आवर इक्वल टू हो जाएगा 20 माइल्स पर आवर। फ्रेंड्स, देखा आपने कितना आसानी से हमने किलोमीटर पर आवर से कन्वर्ट कर लिया माइल्स पर आवर में। फ्रेंड्स, अब हम जानेंगे कि माइल्स पर आवर को कैसे कन्वर्ट किया जाता है किलोमीटर पर आवर्स में। अभी हमने सीखा कि किलोमीटर पर आवर्स को कैसे कन्वर्ट करते हैं माइल्स पर आवर में, अब हम जानेंगे माइल्स पर आवर को कैसे कन्वर्ट करेंगे किलोमीटर पर आवर्स में। फ्रेंड्स, आइए जानते हैं कि 20 माइल्स पर आवर कितना किलोमीटर पर आवर्स के बराबर होता है। फ्रेंड्स, 1 माइल्स पर आवर इक्वल टू 1.60 किलोमीटर पर आवर। फ्रेंड्स, 1 माइल्स पर आवर इक्वल टू होता है 1.6 किलोमीटर पर आवर। इस वैल्यू को याद रखना बहुत ज़रूरी है, तभी आप कन्वर्ट कर पाएंगे। फ्रेंड्स, आइए जानते हैं कैसे कन्वर्ट किया जाता है माइल्स पर आवर से किलोमीटर पर आवर्स में। 20 माइल्स पर आवर को 20 माइल्स पर आवर है तो हम यहाँ पे 1 माइल्स इक्वल टू क्या है 1.6 किलोमीटर पर आवर, तो हम 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे 1.6 किलोमीटर पर आवर। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 32 किलोमीटर पर आवर। फ्रेंड्स, देखा आपने कितना आसानी से हमने माइल्स पर आवर को किलोमीटर पर आवर्स में कन्वर्ट कर लिया। फ्रेंड्स, आइए जानते हैं कि 20 माइल्स पर आवर कितना किलोमीटर हुआ। फ्रेंड्स, 20 माइल्स इज इक्वल टू 32 किलोमीटर पर आवर्स। माइल्स पर आवर ऑलवेज ग्रेटर देन किलोमीटर पर आवर्स। सो फ्रेंड्स, देखा आपने कितना आसानी से हमने कन्वर्ट कर लिया माइल्स पर आवर से किलोमीटर पर आवर्स, और किलोमीटर पर आवर से माइल्स पर आवर। दोस्तों, यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है और नई वीडियो बनाने में हेल्प करती है। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई, लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।